आज हम ऐसे कुएं के बारे में बात करने जा रहे हैं। माना जाता है यहाँ का कभी कुआं सूखा ही नहीं है। ऐसा भी माना जाता है इस कुएं का रास्ता सीधे नागलोक या पाताललोक को प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है इस कुएं के अंदर स्वर्ण और मुद्राएं से पूरी तरह से भरा हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है यहाँ का कुएं का पानी हर समय अपना कलर बदलता रहता है। यही सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है और बहुत रोचक जानकारी है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही रहस्यमयी जानकारी है। आखिरी तक वीडियो को बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए आए हैं अगर तो, और चैनल को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि ऐसी लगातार फैक्टफुल वीडियो बन रही है, आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं क्या है पूरा मामला। भारत के इतिहास में स्वर्ण पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी देवी सीता। महाभारत युग में यही राजा जरासंध ने राज किया था। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया। ये है भूमि बिहार की। आज हम बिहार के पटना की राजधानी पर एक ऐसे कुएं के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर अच्छे अच्छों के रोएं फरफरा जाते हैं। बिहार की राजधानी एक पटना बेहद खूबसूरत शहर है जहाँ न किसी वजह से टूरिस्ट पहुँचते रहते हैं। पहले इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन अगर आपको शहर घूमने का मौका मिले तो गुलजारबाग रेलवे स्टेशन के पास अवस्थित शीतला मंदिर जाना ना भूलें। इस मंदिर के पास एक कुआं है जिसे विज्ञान तक आज ठीक से समझ नहीं पाया है। इस कुएं को रहस्यमय कुआं कहा जाता है। इसके बारे में कई रोचक कहानियां भी कही गई हैं। कुछ कुएं की कहानियां ऐसी भी है जिनको आज तक सुनकर किसी के समझ से परे रहा है। आगम कुआं स्थित माँ शीतला मंदिर खुद में कई चमत्कार और रहस्य को समेटे हुआ है। इसका संबंध सीधे सम्राट अशोक के काल से है। इस मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। यह कुआं बिहार के सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट में एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। अगर आप पुरानी कहानियों की माने तो अशोक का यात्रा ग्रह भी कहा जाता था। हालांकि यह काफी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं। इसे चमत्कारी शक्तियों से युक्त या उससे जुड़ी चीजें मानी जाती हैं। धार्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है यह कुआं। इस कुएं के बारे में यह भी मान्यता है कि चांद के नाम से राजा इस कुएं में सुदर्शन के नाम के एक जैन मॉक को फेंकवा दिया था। बाद में यह कपल पर बैठते रहते थे और तैरते हुए पाए गए। इस कुएं को शादी या धार्मिक कामों के लिए शुभ माना जाता है। हिंदू लोग मानते हैं इसमें कोई चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। चेचक जैसी बीमारी को ठीक कर देती है इसका पानी। धार्मिक जानकारों की माने तो कुएं का ऐतिहासिक पक्ष तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। धार्मिक दृष्टिकोण से कुएं की उतना ही महत्व है। वजह ऐतिहासिक कुएं के पास प्रसिद्ध शीतला देवी मंदिर है। कहते हैं जो शीतला मंदिर की पूजा करते हैं चेचक जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए कुएं के जल का इस्तेमाल करते हैं। मान्यता यह भी है कि इस कुएं के जल के प्रयोग से चेचक जैसी बीमारी दूर हो जाती है और अच्छी अच्छी बीमारी से बड़ी बीमारी को भगा दिया जाता है। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को सुलझाने में असफल रहे हैं कि इस कुएं के रहस्य को वैज्ञानिकों ने 3 बार जानने की कोशिश की, लेकिन तीनों ही बार वैज्ञानिकों के हाथ कुछ नहीं लगा। और जानकारी के अनुसार पहली बार सन 1932 में, दूसरी बार 1962 में, तीसरी बार सन 1995 इस कुएं के रहस्य को जानने की कोशिश की गई, लेकिन कुएं के रहस्य से आज तक पर्दा ही नहीं उठ पाया है। कहा जाता है कि कुएं की गहराई करीबन 105 फीट है जबकि कुएं का व्यास 16 फीट है। कुएं के ऊपर आधे हिस्से की ईंट से बनाई गई है जबकि नीचे के लगभग 60 फीट का हिस्सा लकड़ी के छल्ले से पाटा से गया है। कुएं की संरचना अद्भुत है। कुएं के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता है। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से जुड़ा है। कहानी के मुताबिक एक बार गंगा सागर में गिरी एक अंग्रेज की छड़ी इस कुएं में तैरती पाई गई थी। बताते हैं कि छड़ी आज भी कोलकाता के म्यूजियम में रखी गई है। अशोक ने फेंकवाई थी भाइयों की लाशें। ऐसा भी कहा जाता है कहानियों के अनुसार माने तो सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों के सिर कलम करवाकर इसकी लाशें यहाँ पर फेंकवा दिया था इस कुएं के अंदर। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वह राजा बन सके। इतिहास के सबसे सोने के पन्नों में लिपटा है ये बिहार का। गौरतलब है भारत की सबसे सोने का पन्नों में लिपटा बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर देवी सीता भी जन्मी थी। महाभारत युग में यही राजा जरासंध ने राज भी किया था। इतना मानवीय और बहुत ही धार्मिक स्थल से देखें तो बिहार काफ़ी उच्च श्रेणी में भी आता है, लेकिन यहाँ का एक ऐसा कुआं जो आज तक एक मिसाल बनकर रह गया है जिसको आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। कहा जाता है कि इस आगम कुएं का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। हमने इस ऐतिहासिक कुएं की कहानी के रहने वाले स्थानीय लोगों से जाननी चाहिए। 50 वर्ष के इतिहास के उन पन्नों को याद करते हुए कहानी कहती है कि सम्राट अशोक ने उस दौर में अपने 99 भाइयों को कत्ल कर दिया था।
आगे कहा कि अगम कुआं सम्राट से छुपे खजाने का गवाह भी है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। कौन जाने यहाँ कुआं कितना गहरा है और उसकी गहराई में कितना इतिहास छुपा है। इन दबे राजों को आज तक कोई बाहर नहीं निकाल पाया है और ना कोई निकालना चाहता भी है, लेकिन अभी तक कोई कामयाब नहीं हो पाया है। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने खजाने के लालच में कुएं के पानी को निकालने की बहुत कोशिश की, सारी ताकत लगा दी, लेकिन कुएं का पानी कभी कम ही नहीं हुआ। ऐसी बात करते हैं कि आने वाले कुछ सदियों तक ये कहानी और भी प्रचलित होगी, क्योंकि आज तक इसका इतिहास या इसका भूगोल कोई समझ नहीं पाया है। तो इस कहानी के साथ अपने बारी को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले वीडियोस में आप